सो व्हाट्स अप गेमर्स, किया वाले सभी का स्वागत। उम्मीद करता हूँ सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और ऐसे भी आपका कल के दिन यहाँ पर गेम आने वाला है। सो गाइस, आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे कि आपका गेम यहाँ पर कब यहाँ पर आ सकता है, मतलब कल के दिन तो आएगा सभी को पता है, तो क्या उसके यहाँ पर टाइमिंग हो सकती है आने की। उसके अलावा यहाँ पर बीच में यहाँ पर जो लोडिंग स्क्रीन है ना, जहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आप बोल सकते हो उसको, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप यहाँ पर होने वाली जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो प्लेयर यहाँ पर ओपन यूएस के ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी से यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा गाइस, यहाँ पर आपको पता होगा कल के दिन यहाँ पर आपका गेम आने वाला है। सो गाइस, अब बात कर लें कब यहाँ पर आपका गेम आ सकता है। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर निकल के आती है 5:30 को, जिस टाइम पे यहाँ पर आपका गेम का डे यहाँ पर चेंज होता है, तो आप सभी को ये चीज़ तो पता ही होगी। उसके बाद गाइस, यहाँ पर सेकेंड टाइम निकल के आता है 7:30 AM को, तो इस टाइम पर आपको पता होगा यहाँ पर आपका जो रॉयल पास है यहाँ पर मतलब कि इस टाइम पर आता है। उसके अलावा यहाँ बोला कि रात के 12 बजे भी आ सकता है और 12:01 पे भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 29 मई को यहाँ पर आपके गेम के सर्वर ऑन हो जाएंगे, तो कभी भी यहाँ पर हो सकते हैं। और एक ऑफिशियल की तरफ से एक मतलब कि साइड से एक लीक हो गया थी जो चीज़ यहाँ पर चल रही है, तो 11 AM वाला। सो इस 11 AM के अलावा बाकी जो टाइमिंग है ना, वो खुद मैंने यहाँ पर मैं अपने मन से यहाँ पर बता रखा है, तो ऐसा मत समझना कि ऑफिशियल की तरफ से वो चीज़ यहाँ पर आई है, या फिर मैं गारंटीड यहाँ पर बोल सकता हूँ उसी टाइम पर आपको गेम आएगा। तो मैंने बता दिया मेरे को क्या लगता है कब यहाँ पर आपको गेम आ सकता है। और कैसे यहाँ पर बीच में के ऑफिशियल चैनल पर एक और वीडियो यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है, जो कि आप जाके यहाँ पर देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी आपको मतलब एक नई पोस्ट देखने को मिल जाएगी, देख सकते हो, जो कि मतलब कि आपको जो 4 परमानेंट आउटफिट मिलने वाली है, तो उसी की यहाँ पर पोस्ट है यहाँ पर। और इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ बता रखा है, जैसे कि हम यहाँ पर लॉन्च होगा ना, तो उसी टाइम से ये वाला इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर प्री रजिस्टर्ड वाला इवेंट भी आप इसको बोल सकते हो। बाकी स्टोरी में भी यहाँ पर इन्होंने इस वाली वीडियो के यहाँ पर लिंक दे रखा है। और कैसे यहाँ पर आपको गेम के अंदर C4S11 यहाँ पर नया वाला सीज़न देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, हो सकता है यहाँ पर ये वाला सीज़न मतलब कि 1 जून से यहाँ पर चालू हो, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने मतलब कि लास्ट डेट अगर नोटिस की होगी ना यहाँ पर, अगर आपने सीज़न में चेक किया होगा, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको मतलब कि C3S7 था ना, तो यहाँ पर मतलब कि 31 जून मतलब कि मई तक यहाँ पर चल रहा था वो, मतलब कि आपका हो सकता है यहाँ पर ये वाला सीज़न आपको 1 जून से देखने को मिल जाए, और उसी दिन से सही से यहाँ पर आपको रोल पास अगर आप देखने को मिलेगा। और कैसे अगर आपने प्ले स्टोर में नोटिस करा होगा तो आपको ये वाली इमेज देखने को मिली होगी, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पर साइड में स्पाइडरमैन लिखा हुआ ना, तो स्पाइडरमैन मोड फिर से यहाँ पर आपका आने वाला है। सो गाइस, सही से मतलब कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप नीचे नोटिस करोगे, यहाँ पर 2022 भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब कि 2022 की मतलब ये वाली इमेज है, जो कि जनवरी 27 की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो उसी इमेज के यहाँ पर डाला गया है। और ऐसा नहीं है मतलब कि आपको स्पाइडरमैन मोड यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर स्पाइडरमैन मोड एक मतलब कि कोलैब वाला यहाँ पर आइटम है, कोलैबोरेशन वाला, जो कि आपको मतलब कि बार बार यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जब भी मतलब कि कंपनी से यहाँ पर कोलैब करेगी, तो उसी टाइम पर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, तो ऐसे यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ तो आप मतलब कि अपने दिमाग में रख लो, मतलब कि स्पाइडरमैन मोड तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और ऐसे भी स्पाइडरमैन मोड हमें मतलब कि 1 मंथ यहाँ पर खेलने को मिला था, उसके बाद यहाँ पर दूसरा कुछ यहाँ पर आ गया था। उसके अलावा ऐसे यहाँ पर मतलब कि गेम का 2.5 का अपडेट इस वजह से आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब कि रिसर्च चल रही थी मतलब कि इस वाले अपडेट के लिए, क्योंकि मतलब कि गेम यहाँ पर आपको पता होगा 10 मंथ के लिए बैन था, तो कल के दिन यहाँ पर गेम आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और 10 मंथ के लिए यहाँ पर मतलब कि काफ़ी रिसर्च चली, इस वजह से 2.5 का अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में 2.6 भी मिल जाए, जिसके अंदर आपको A1 रॉयल पास भी देखने को मिल सकता है। सो ऑल एट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।